कौन है व्योम मित्रा? इंसान से पहले रोबोट पहुंचेगा स्पेस, क्या है इसरो का मास्टर प्लान? हर भारतीय बस यही चाहता है कि इसरो की मेहनत और सफलताओं का परचम यूं ही लहराता रहे। चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद पिछले साल ही इसरो के अगले मिशन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया था। अब सभी की नजरें इस साल अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला रोबोट व्योम मित्रा पर टिकी है। इसरो इस महिला रोबोट को जल्द स्पेस में भेजने वाला है और इस मिशन के लिए तैयारियां भी कर ली गई है। व्योम मित्रा की सफलता के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा सकेगा। गगनयान मिशन अगले साल यानी 2025 के लिए शेड्यूल है। गगनयान मिशन से पहले व्योम मित्रा का स्पेस में जाना बहुत ही जरूरी है और जल्द व्योम मित्रा के अंतरिक्ष में उड़ान भरने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि आखिर अंतरिक्ष में जाने वाली महिला रोबोट के नाम का आखिर मतलब क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस महिला रोबोट को व्योम मित्रा नाम तो मिल गया, लेकिन आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? व्योम मित्रा का मतलब संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, व्योम और मित्रा। व्योम का मतलब है आकाश और मित्रा का मतलब है दोस्त। इसरो गगनयान मिशन को लेकर चल रही तैयारियों की बात करें तो यह मिशन इसरो का पहला मानव युक्त मिशन होगा। इस महिला रोबोट को इंसानी रूप दिया गया है। इस रोबोट में आपको इंसानों जैसी काया देखने को मिलेगी, जैसे कि आंख, नाक आदि। इंसानों से पहले व्योम मित्रा को अंतरिक्ष में भेजने का कारण यह है कि महिला रोबोट अलग अलग मापदंडों की निगरानी कर सकती है। इसके अलावा अलर्ट जारी कर सकती है और लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। सिर्फ यही नहीं, महिला रोबोट 6 पैनलों को ऑपरेट करने और सवालों के जवाब देने में भी सक्षम है। महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों की तरह ही काम करेगी और जरूरी निर्देशों को समझेगी। यह ग्राउंड स्टेशन में वैज्ञानिक और टीम से संपर्क करके बात भी कर सकेगी। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।